जी हाँ, सही पढ़ा अपने दोस्त मेरे थंबनेल पे कि किस तरीके से कोरोना वायरस ने 5 ऐसे इफेक्ट आपके इस साल में जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं उनके दोस्तों जिंदगी पे पढ़ने वाले हैं, उनके एग्जाम्स पे पढ़ने वाले हैं। दोस्त ऐसे कौन से 5 थिंग्स हैं जो दोस्त मैं आज की इस वीडियो डिस्कस करने वाला हूँ। इससे पहले दोस्त बताना चाहता हूँ कि मैं ऐसे टिप्स और न्यूज़ की वीडियोस मैं अपने चैनल पर डालते रहता हूँ। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूँगा सब्सक्राइब कर लेना चैनल, ताकि मेरा मुहिम दोस्त आगे तक पहुँच सके। सबसे पहले दोस्त बताना चाहता हूँ कि इस बार एग्जाम डेट्स को लेकर सबसे बड़ा कारण बच्चों के एग्जाम्स पे और यहाँ पे सबसे बड़ा कोरोना वायरस का कारण है। अगर दोस्त ना कोरोना वायरस होता ना एग्जाम डेट्स में कोई दिक्कत होती, और दोस्त इस मुद्दे पे ना कोई मीडिया बात कर रहा है ना यूट्यूब चैनल पे जो भी है, तो दोस्त आपको इतना ज़्यादा वो कंफ्यूज कर देंगे अपने व्यूज और सब्सक्राइब और कुछ दुकान खोलने के कारण। मैं दोस्त बताना चाहता हूँ आपको कि एग्जाम्स डेट्स को लेकर जो जो बच्चे इस समय परेशान हैं, WHO ने साफ कहा कि पेरेंट्स को चिल्ड्रंस को रिलीफ करना चाहिए, इस समय उनको कोई भी स्ट्रेस में नहीं होना है। और यहाँ पर सरकार और यहाँ तक के WHO के द्वारा भी ये साफ कहा गया है कि ये जो आपको दिख रहा है सब कुछ ये सिचुएशन ने करवाया है, ना कि किसी सरकार ने, वरना कोई भी घाटा नहीं चाहता दोस्त, किसी का खिलवाड़ करना कोई नहीं चाहता दोस्त। यहाँ पे गवर्नमेंट आप हम सबकी भलाई के लिए करती है, लेकिन एग्जाम डेट्स क्लियर नहीं हुआ ये मन में आपके डाउट अभी तक है। अब दोस्त आपको आज की न्यूज़ के अकॉर्डिंग सब कुछ समझ में आ चुका, क्लियरफाई हो चुका होगा ये कि आज दोस्तों प्रधानमंत्री जी के आदेश के बावजूद ये उड़ीसा और दोस्तों तमाम स्टेट के गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट कर दिया कि 30 अप्रैल तक हमारे स्टेट के अंदर लॉकडाउन रहेगा। राज्य ओडिशा इसने लॉकडाउन 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया। आपको पता है कि 14 तक देश भर में लॉकडाउन है, लेकिन ओडिशा ने अपनी तरफ से कदम बढ़ाते हुए 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। ये भी उन्होंने निर्णय लिया है कि 17 जून तक, यानी लॉकडाउन उनका जो 30 अप्रैल तक खत्म होगा, उसके बाद 17 जून तक स्कूल कॉलेज बंद रखे जाएंगे। अब दोस्त इससे क्या बात निकल कर आती है, दोस्त मैं हमेशा टोटल फैक्ट पे बात करता हूँ क्योंकि मेरा काम जुमलाबाजी नहीं करना है। यहाँ पे दोस्त 30 अप्रैल तक है अगर लॉकडाउन, तो ये तो दोस्त मैं आपको पहले से बताते आ रहा हूँ कि 30 अप्रैल तक कोई भी एग्जाम्स नहीं होंगे। दोस्त मेरी बात यहाँ पे सच्ची होती दिख रही है कि दोस्त यहाँ पे अप्रैल तक तो आपके लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया जाएगा, है ना, और दोस्तों कन्फर्म है ये क्योंकि उड़ीसा गवर्नमेंट ने, दोस्त मोदी जी से कल बात भी हुई थी इसी को लेकर के एक्सटेंड किया जाएगा नहीं किया जाएगा, इतने में उड़ीसा गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट कर भी दिया। और इसी के साथ दोस्तों राजस्थान हो गया या मध्य प्रदेश हो गया, इन सब में तेलंगाना हो गया, कर्नाटक हो गया, मैंने दोस्तों आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि उनका भी यही सुझाव है कि एक्सटेंड करना चाहिए। दोस्तों दिल्ली के लगभग 20 हॉटस्पॉट एरिया इसको बना दिया गया है, जहाँ पे आना जाना पूरा पाबंद हो चुका है। अब इसको देखते हुए हम साफ कह सकते हैं कि दोस्त मई में जो एग्जाम्स होने वाले थे उनकी डेट पोस्टपोन्ड हो जाएगी। जैसे कि मान लो 3 मई से या 4 मई से जिनके एग्जाम स्टार्ट होने वाले, जैसे कि DUSL के स्टूडेंट हैं, उनके जो एग्जाम थे वो मई में ही स्टार्ट होने वाले थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मई के फर्स्ट वीक्स में जितने भी एग्जाम्स थे, 30 अप्रैल को सिचुएशन ठीक नहीं हुई तो वो सब के सब एग्जाम्स पोस्टपोन्ड होंगे आगे के डेट के लिए। अब ये डिपेंड करता है एग्जाम डेट दोस्त जो आपके मन में इस समय चल रहा है कि कब होगा कब होगा कब होगा। 30 अप्रैल तक कोई एग्जाम्स नहीं है, आज के दोस्त WHO के द्वारा साफ कह दिया गया कि सबको रिलैक्स कर दो, स्ट्रेस कम करो, और इसके द्वारा दोस्त ये साफ है कि 30 अप्रैल तक तो एग्जाम्स नहीं होंगे, बट जो मई में एग्जाम होने वाले थे तो उन सभी एग्जाम्स की पोस्टपोन होने की पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बढ़ गई है। आया दोस्तों में, अगर मैं बात करूँ कोरोना वायरस के सेकेंड इफेक्ट की, तो इससे क्या हुआ कि अब रिजल्ट का, अब आपके रिजल्ट पे भी दोस्तों यहाँ पे इफेक्ट पड़ने वाला है। जब एग्जाम्स लेट होंगे तो रिजल्ट भी लेट आएगा, क्योंकि दोस्तों डेट्स डिक्लेयर नहीं है। आप दोस्त यहाँ पे जितने भी बोर्ड्स हैं, चाहे DUSL हो गया, IGNOU हो गया, NOS हो गया, CBSE हो गया, जितनी भी अदर स्टेट बोर्ड हो गया, तेलंगाना हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, UP हो गया, दोस्तों कितने भी जितने भी बोर्ड्स हैं यहाँ पे, ICSE बोर्ड हो गया। अब दोस्त यहाँ पे दिक्कत यह है कि इन सभी के डेस्क के तो छोड़ो भाई, यहाँ पे UPSC हो गया दोस्त, यहाँ पे ITI हो गया, सभी के जितने भी यहाँ पे इंटरव्यू एग्जाम्स थे, चाहे जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम थे, SSC हो गए, सभी के एग्जाम्स पोस्टपोन्ड किए गए, कोई भी डेट डिक्लेयर नहीं है। तो भाई 12th CBSE हो गया, यानी हो गया, इसके डेट कहाँ से आ जाएंगे। तो अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो तो दोस्तों कंफ्यूजन दूर रखना। आज जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्त, भारत के अंदर चाहे कोरोना वायरस के आंकड़े हो या पूरे ओवर वर्ल्ड में आंकड़े हो, दोस्तों बहुत तेज़ी से इंक्रीज हुआ है। इसी को देखते हुए साफ है ये कि दोस्त
मई के एग्जाम्स भी जो थे वो भी पोस्टपोन किए जाएंगे दोस्त। यहाँ पे 99% चांस है एग्जाम्स मई में भी दोस्त जो फर्स्ट वीक में स्टार्ट होने वाले थे DUSL के दोस्तों, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर की मैं बात कर रहा हूँ, जो अभी बच्चे इन्वॉल्व हुए थे न्यू, तो सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम दोस्तों मई में स्टार्ट होने वाले थे। बच्चे इग्नू या SOL में जो MM एग्जाम देने वाले हैं उनके एग्जाम भी दोस्तों मई में ही होने वाले थे। अब यहाँ पे दोस्त 99% चांस लग रहा है डेट एक्सटेंड होने की, मई के फर्स्ट वीक में एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले थे। तो अब दोस्तों आपको अपने एग्जाम्स की तैयारी घर पर बैठ के करते रहना है, क्योंकि दोस्त अब जो थर्ड इफेक्ट जो इससे पड़ रहे हैं और जो आप सबके मन में कह रहे हैं, ये काफी सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि हमारा ये साल बर्बाद हो जाएगा और दोस्त ये हमारा जो ईयर है ये वेस्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ से आपको साफ क्या जानना चाहता हूँ, ये आपके मन में, मेरे मन में, भारत के तमाम वासी दोस्तों पूरे विश्व के मन में है, ये हर एक सिटीजन, हर एक स्टूडेंट्स के मन में है। ये यहाँ पर दोस्त जैसे कि दोस्त यहाँ पर रमेश पोखरियाल जी ने कहा, HRD मिनिस्टर ने भारत के, तो हम भारत के जो बच्चे हैं उनका साल बर्बाद नहीं होने देंगे, इन्होंने साफ कहा। यहाँ पर दोस्तों WHO की रिपोर्ट, यहाँ पर लॉकडाउन का एक्सटेंड होना, ये सब बात जाहिर करते हैं कि दोस्त अब आपके एग्जाम्स अभी हाल फिलहाल में कंडक्ट करवाने के डेट दोस्त डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। आया दोस्तों में तो डेट्स अब ना पूछे, बस ये समझे कि आपके एग्जाम्स होने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं दोस्त वो मई में भी नहीं है, मई के फर्स्ट वीक में भी नहीं है, वो डेट पोस्टपोन्ड हो सकती है। कंफर्म नोटिस तो उसमें आपको जल्द बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी दोस्त मेरी कल जो यूनिवर्सिटीज़ के टीचर से जो बात हुई उनका भी दोस्त साफ कहना था, सिचुएशन अभी थोड़ी वैसे चल रही है कि ये एक्सटेंड होकर रहेगा लॉकडाउन, और यानी कि आपके एग्जाम्स नहीं होंगे। और दोस्त यहाँ पे साल बर्बाद का जो आपका मन में जो डाउट है दोस्त, ये क्लियर है भाई, और ये डाउट होना भी चाहिए, क्योंकि इसके बाद दोस्त जो फोर्थ मेरा जो यहाँ पे पॉइंट है कोरोना वायरस के कारण जो प्रभाव है दोस्त, वो है नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट क्लास की स्टडी का। ये वेस्ट का मतलब यही है जो फोर्थ पॉइंट बता रहा हूँ दोस्त, वो नेक्स्ट क्लास की स्टडी, इसके कारण से नेक्स्ट क्लास की जो पढ़ाई है दोस्त हमारी वो भी नहीं हो पा रही। अब यही मेन कारण है कि इस सिचुएशन में हम या पहले रिजल्ट का, या जिनके एग्जाम्स नहीं हुए वो उनका वेट करें, या दोस्त अपने नेक्स्ट ईयर की या नेक्स्ट क्लास की तैयारी करें। दोस्त इस मुद्दे को मीडिया कवरेज नहीं दे रहा, इसलिए दोस्त मैंने ये सुझाव दिया था गवर्नमेंट को कि इंटरनल बेस पे, और जो जहाँ पे दोस्त यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज थे कि अगर इंटरनल हमारा नहीं है या तो हमारे 90% नहीं है तो हम क्या करेंगे, यानी किस बेस पे परसेंटेज दिया जाएगा अगर बच्चों को प्रमोट किया जाता है। तो दोस्त यहाँ बताना चाहता हूँ मैं कि प्रमोट का सिस्टम सभी जगह इंप्लीमेंट नहीं हो सकता, CBSE बोर्ड हो गया, NUS बोर्ड हो गया, यहाँ पे किया जा सकता है इंटरनल के बेस पे, है ना। अगर मैं DUSL की बात करूँ तो वहाँ पे प्रमोट का जो मामला है कि इंटरनल कुछ भी नहीं है। अगर दोस्त मैं सरकार से यहाँ पे सुझाव दे सकता हूँ कि प्लीज़ इन सभी के एग्जामिनेशन अगर आप ऑनलाइन लेकर आ जाओ तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव है, ये सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है। अगर ऑनलाइन के थ्रू MCQ क्वेश्चन सरकार कुछ ऐसा कर सकती है ताकि आपके जजमेंट भी हो जाए, आप दोस्त आपके एग्जाम्स भी क्लियर हो जाए, नेक्स्ट ईयर के एग्जाम्स भी हो जाए, तो ऐसा कुछ हो सकता है, वरना दोस्त अभी तक कोई भी ऑप्शन नहीं है। और CBSE और NUS और जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं जहाँ पर भी इंटरनल होता है दोस्त, वहाँ पे प्रमोट का सिस्टम अप्लाई किया जा सकता है। और दोस्त अगर आप चाहते हो कि नहीं ये होना ही चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना, सरकार तक पहुँचाना। दोस्त हमारी मुहिम अगर आगे तक पहुँचती है तो हमारी एक बहुत बड़ी सफलता होगी है। बाकी दोस्त हमारा पांचवा पॉइंट है, वो लास्ट पॉइंट दोस्त, वो है स्ट्रेस। कोरोना वायरस ने हम स्टूडेंट को नहीं भाई पूरे वर्ल्ड को एक स्ट्रेस दे दिया। स्ट्रेस दोस्तों एक बहुत बड़ा कारण है, हर दिन लॉकडाउन कब खत्म होगा, भाई हमारा साल ख़राब तो नहीं हो जाएगा, हमारे एग्ज़ाम्स कब होंगे, एग्ज़ाम्स अभी हुए नहीं तो रिजल्ट भी लेट आएंगे, और इन्हीं कारण को सोच सोच के दोस्त एक स्ट्रेस। और इन स्ट्रेस को कम करने का सिर्फ एक तरीका है, एग्ज़ाम्स के डेट को ना सोचकर उसकी स्टडी प्रिपरेशन के बारे में सोचा जाए और अपनी तैयारी कंटिन्यू रखा जाए। आया दोस्त में, क्योंकि आपको सिर्फ अपने माइंड, अपने स्किल के लिए काम करना है। बाकी दोस्त मैं नेक्स्ट वीडियो में ये बताना चाहता हूँ, अगर आपने कहा कमेंट में कि सर बताओ, तो मैं दोस्त ये बताना चाहता हूँ कि आप इस समय जब एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे लॉकडाउन के पीरियड में, आप ऐसा क्या करें जो आपके लिए बेनिफिट हो, एग्ज़ाम्स के लिए या स्टडी के लिए या स्टडी से हटकर। अगर दोस्त आप चाहते हो मैं ये बताऊं कुछ ऐसा 4-5 ट्रिक्स जो आपके लिए बेनिफिट हो, तो नीचे मुझे कमेंट में हाँ बताना, और दोस्त ये वीडियो कैसे लगी मुझे इसके बारे में ज़रूर बताना। इसके मन में ये डाउट है कि प्रमोट कैसे किया जाएगा, कितने परसेंटेज दिए जाएंगे, मार्क्स को लेकर किसके मन में दोस्त अगर डाउट है, तो मैं उन सबसे कहना चाहता हूँ दोस्त प्रमोट का सिस्टम सरकार पहले एक करिकुलम निकालेगी, उसमें दोस्त सिस्टमेटिक व्यवस्था अपनाया जाएगा किसको कितने परसेंटेज देने हैं, किसको कितने देने हैं। अब दोस्त ये सरकार पर छोड़ते हैं हम, बाकी हम इतना कहना है कि प्रमोट का सिस्टम यहाँ पर इंप्लीमेंट करूँ ताकि बच्चा नेक्स्ट क्लास में जाए विदाउट एनी स्ट्रेस। आया तो समझ में, अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो अगर कोरोना वायरस का कहर कम हो गया और
सब कुछ ठीक हो गया। मेरे दोस्त मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ, तो एग्जाम्स देने के लिए हम सब के सब तैयार हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसलिए दोस्त मैं कह रहा हूँ कि अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट रखें, क्योंकि अगर एक्सटेंड होता है तो सरकार आपसे डायरेक्ट एग्जाम्स नहीं लेगी, आपको दोस्तों लगभग 10 से 15 दिन का टाइम दिया जाएगा प्रिपरेशन का। इसलिए दोस्त मैं अभी से भी कह रहा हूँ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट रखें। बाकी दोस्त नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक मुझे कमेंट बॉक्स में जो मैंने आपसे कहा है यस और नो में जवाब दें। कैसे लगे दोस्तों ये वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्त आपका मुद्दा हमेशा उठाता जाऊंगा मैं, जिसको मीडिया भी कवरेज नहीं दे रहे। चलिए दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। जय हिंद जय भारत।